हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का अब विमोचन हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा टीम से कि पुस्तिका को सभी के सामने ले आएं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो दो दिन पूर्व था, आज सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित इस विकास पुस्तिका का विमोचन किया जा रहा है कि राज्य बेहतर कैसे हो, सर्वश्रेष्ठ कैसे बने, नंबर वन कैसे आए, उसको लेकर ये पुस्तिका है जिसका विमोचन इस वक्त पे किया जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार। इसके बाद नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन होना है। मैं निवेदन करूंगा सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम सर से और उनकी टीम से कि नियोजन विभाग द्वारा जो प्रकाशित विकास पुस्तिका है उसका विमोचन किया जाए। प्रकृति का एक अद्भुत वरदान है ये राज्य उत्तराखंड और हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम सबको यहाँ जन्म मिला। कुछ लोग जन्म से हैं, कुछ अपने कर्म से इसका हिस्सा हैं। जिम्मेदारी सबकी है कि कैसे राज्य आगे बढ़े, नंबर वन आए, उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी कैबिनेट, उनकी टीम, सभी लोगों का अपना जो सहयोग है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो लगातार राज्य को मिल रहा है। नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका का विमोचन इस वक्त पे हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। इसके बाद मैं संबोधन के लिए बुला रहा हूं सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी यानी कि आईटीडीए के नाम से जिसको हम जानते हैं, निदेशक आईटीडीए अमित सिन्हा सर को। वे आएंगे अपने संबोधन के लिए। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत कीजिए। आज जिन योजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से लोकार्पण हो रहा है उसमें सबसे पहले हमारी नागरिक केंद्रित सेवाएं अपनी सरकार है जिसमें 427 जन केंद्रित सेवाएं का शुभारंभ किया जा रहा है। दूसरे पर हम अपनी सरकार पोर्टल का एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल ऐप भी बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम नागरिक सेवाओं को एंड्रॉयड बेस पे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसके इन सारी की सारी अपनी सरकार सेवाओं का हम लाभ उठा सकते हैं। इसके उपरांत हम DRC लेक, ये ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर का एक डेटा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ड्रोन के माध्यम से हम जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके फोटोग्राफ वीडियोग्राफ ले सकते हैं और उसको हम इस एकीकृत पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। ये पब्लिक के लिए भी खुल सकता है जिसमें कि वो भी यूजर नेम पासवर्ड लेके इसको इसका फायदा उठा सकते हैं। जो हमारा इसके बाद रूरल एरिया है वहां पर और स्पेशली महिलाएं, उनकी भागीदारी इंटरनेट कंजम्पशन को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अपनी सरकार ये जो ऐप है वो भी आपके सामने आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और अब बारी है परिवहन विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर और पोर्टल का शुभारंभ होना है। संबोधन के लिए सचिव परिवहन श्री अरविंद हयांकी जी से मैंने निवेदन कर रहा हूं। परमादरणीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायक साहबान, इस सभागार में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मीडिया के मित्रों, परिवहन विभाग वस्तुतः दो तरह की सेवाएं देता है। जो परिवहन से संबंधित व्यवसाय या परिवहन से संबंधित जो भी सर्विसेज हैं उनको किस तरीके से हैसल फ्री किया जाए, स्मूथ किया जाए, और दूसरा जो वाहनों से संबंधित चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हैं चाहे वाहनों की टेस्टिंग है उनको टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए कितना उसे परफेक्शन लाया जाए, इसी दिशा में
पहला उपाय तो ये है कि सारी सर्विसेज को आप जितना फेसलेस कर सकें, लोगों को कम से कम ऑफिसेज में आना पड़े, उसके लिए भारत सरकार ने भी वाहन पोर्टल और सारथी पोर्टल विकसित किए थे। उसको राज्य सरकार अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करके अपने सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हम सारी सर्विसेज ऑनलाइन वाहन पोर्टल सारथी के माध्यम से दे रहे हैं, बट कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें पब्लिक की एक्सेस नहीं थी, वो ऑनलाइन किस तरीके से वो सर्विसेज दे सकें, उसके लिए राज्य सरकारों को काम करना था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय परिवहन मंत्री जी ने समय समय पर हमें जो निर्देशन दिए, उसके क्रम में हम लोगों ने NIC की मदद से हम लोगों ने कुछ अपने सिस्टम्स डेवलप किए, जिनका हम लोग वाहन पोर्टल और साथी पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करके अब पब्लिक के लिए एक्सेसिबिलिटी उसमें दे रहे हैं। पब्लिक उसको एक्सेस करके सारी सेवाएं घर बैठ करके ले सकती है। आज जिन 6 सेवाओं का आज हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, उनका मैं ब्रीफली आपको बता दूं। परिवहन विभाग के संबंध में कुछ हम स्टेज कैरियर्स के जो टैक्स जमा कराते हैं, वो बसेस, चाहे प्राइवेट बसेस हों चाहे परिवहन निगम की बसें हैं, उन पे जो मंथली टैक्स आयत होती है उनको फिजिकली ऑफिसेज में जाकर के जमा करना पड़ता है, इससे उनका बहुत समय खराब होता है। इस सर्विस को अब हम लोगों ने ऑनलाइन आज से लॉन्चिंग करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री कर कमलों से। वो जिस स्टेशन में भी तैनात हैं, जहां भी उपलब्ध है उनका कार्यालय, वहीं से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। दूसरी सर्विस, जो वाहन चालन के दौरान जो भी हम लोग चालान करते हैं, चाहे पुलिस के चालान हैं चाहे हमारे परिवहन विभाग के चालान हैं, उसको कैसे कंपाउंडिंग चार्जेस को भी ऑनलाइन उनको भुगतान कर सकें, अदरवाइज आज की तारीख में उनको कंपाउंडिंग फीस जमा करने के लिए फिजिकली आना पड़ता है दफ्तरों में, और विशेषकर ऐसे वाहन जो बाहर के होते हैं उनका चलने के दौरान जो चालान होता है उनको भी फिजिकली कंपाउंडिंग कराने के लिए भी यहाँ तक आना पड़ता है। इसको भी हम लोग आज ऑनलाइन कराने जा रहे हैं ताकि घर बैठे वो अपना भुगतान कर सके कंपाउंडिंग चार्जेस, और उसके जो चालान की प्रक्रिया है वो अंतिम रूप से निस्तारित हो सके। तीसरा, हम लोग सिस्टम कर रहे हैं जो भी वाहन विशेषकर बसेस विशेष पर्पज़ के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरीज वगैरह के लिए अगर स्पेशल परमिट चाहते हैं, उसके लिए भी फिजिकली वो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आज वो भी व्यवस्था में दुरुस्त करते हुए अब वो भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, ऑनलाइन स्क्रूटनी होगी, ऑनलाइन अप्रूवल होगा, ऑनलाइन वो परमिट को डाउनलोड कर सकेंगे, सारी सर्विस वो घर बैठे ले सकता है। फोर्थली, जो RTAs हैं वो भी जो कॉन्ट्रैक्ट कैरीज वगैरह परमिट देते हैं उनको भी अभी वो फिजिकली सारी प्रक्रिया होती हैं उसको भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से घर बैठे सुलभ हो जाएंगी। फिफ्थली, जो डीलर के माध्यम से पंजीकरण होते हैं, आज की तारीख में निजी वाहनों का पंजीकरण डीलर के पॉइंट पर होता है, लेकिन अप्रूवल्स वगैरह की सारी प्रक्रियाओं के लिए डीलर को फाइलें लेकर के RTO ऑफिस में आना पड़ता है, उनका समय खराब होता है, RTO ऑफिस में अननेसेसरी फाइलों का बोझ बढ़ता चला जाता है। हम उस सिस्टम को भी ऑनलाइन कर रहे हैं, डीलर पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन तरीके से संपन्न हो जाएंगी और दफ्तरों में जो कागजों का बोझ है वो कम होगा। सेकेंडली, डीलर पॉइंट में अभी तक सिर्फ निजी वाहनों को आता था, अब कमर्शियल वाहनों को भी सेम सर्विसेज वहीं मिल जाया करेंगी, ये भी बहुत बड़ी सुविधा लोगों को मिलने वाली है। जो परिवहन से जुड़े हुए सर्विसेज हैं या जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने अपने ट्रेड सर्टिफिकेट के लिए कई प्रयोजनों के लिए उनको आवश्यकता होती है, वो लेने के लिए भी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, आज के बाद उनको भी ऑनलाइन ही सारी सर्टिफिकेट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनको इशू कराया जा सकता है। सेकेंडली, ये सारी सर्विसेज हमने NIC की मदद से की हैं, यहाँ पे NIC के ऑफिसर्स भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी मंच पे आ जाएं, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से भी ऑफिसर्स हैं, हमारे MD रोडवेज वो भी यहाँ पे, मिस्टर रोज मीना वो भी आ जाएं, क्योंकि परिवहन ने भी अपना बहुत एक चेंज, एक अच्छा चेंज जो कि अंततोगत्वा सवारियों को बहुत अच्छी मदद मिलेगी और साथ ही साथ उनका इंटरनल मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होगा, ऐसी कुछ ऐप्स भी हम लोग आज लॉन्च करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसमें पहला तो फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम है जो